और बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग जब शामिल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं इस अभियान को सफल बनाने के लिए। मुझे खुशी के कार्यक्रम में सब लोग आगे आए हैं, सुबह ही नेताजी ने भी कार्यक्रम कर करके पेड़ लगाए हैं, सांसद रामगोपाल यादव जी उन्होंने भी पेड़ लगाए, तमाम हमारे पार्टी के सांसद, विधायक, सरकार के अधिकारी और छात्र छात्राएं और सरकारी कर्मचारी लोगों ने सब ने मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया है, मैं समझता हूं इसमें समाजवादी सरकार सफल होगी। चीफ सेक्रेटरी भी यहां मौजूद हैं, यहां तो लगाए ही है पेड़, लगाएंगे भी पेड़, इसके साथ साथ सब अधिकारी मिलकर के शाम को भी लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम है, पुण्य का काम है जब पेड़ लग रहा है, पर्यावरण सुरक्षित हो, लोगों को और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण और शुद्ध पर्यावरण मिले, मैं समझता हूँ ये सबको संकल्प लेना पड़ेगा। और जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, आम जन लोग जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक ये अभियान अधूरा रहेगा, पूरा नहीं हो सकता। जहाँ दुनिया में बहस छिड़ी है कि धरती सुरक्षित रहे, पर्यावरण बचे, वहीं समाजवादी लोगों ने इस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं समझता हूं सरकार इसमें सफल होगी, 5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगेंगे, अगर ये रिकॉर्ड बनता है तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। सर एक सवाल कि पेड़ लगाया जाना अच्छी बात है, मनुष्य जाति के लिए भी अच्छा है, लेकिन एक चाहे जितनी भी सरकारें रही, अवैध कटान नहीं रुकी है, अगर कटान नहीं रुकेगी तो पेड़ लगाए जाने का फायदा क्या? देखिए जहाँ पेड़ लगना है वहीं ये भी सख्ती रखनी पड़ेगी और ऐसे लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी जो पेड़ काटते हैं। पेड़ लगें, पेड़ बचें और वहीं पेड़ न कटें, ये भी जिम्मेदारी हम लोगों की है, उस पर ज़रूर सरकार काम करेगी और अगर पेड़ काटने वाले लोग मिलेंगे तो कानून के अंदर उन पर कार्रवाई होगी। सर राज्यपाल जी ने कैराना, दादरी और जवाहर बाग मामले पर राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कानून व्यवस्था को प्रदेश के अंदर मुद्दा बनाया गया है। रिपोर्ट तो हमने भी दी थी कैराना वाली, कि लोगों का पलायन कब कब हुआ है और किन परिस्थितियों में लोग गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके जब विकास में पीछे छोड़ गए, काम में पीछे छूट गए, उपलब्धियों में पीछे छूट गए, तब ये तमाम सवाल उठा रहे हैं और अपना सहयोग भी तमाम संस्थाओं से ले रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा गवर्नर साहब का आज शाम को कार्यक्रम है और वो कानून जो है कि जिसमें कोई भी सूचना मांग सकता है, अब रिपोर्ट तो हमें पता नहीं है क्या भेजी गई है, अगर उस कानून के अंतर्गत अगर रिपोर्ट की जानकारी मिल सकेगी तो ज़रूर मांगूंगा। सर आरएसएस की बैठक चल रही है कानपुर में ही, उसमें जो है उनके विस्तार को बीजेपी की चुनावी रणनीति पर जो है चर्चा चल रही है। देखिए क्या बैठक हो रही है, उस बैठक में पेड़ तो नहीं लगाए जा रहे होंगे, हम तो अपना पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, लोगों का जीवन बेहतर होगा, ये एक अच्छी भावना है, जहाँ पेड़ लगेंगे लोग पेड़ देख करके खुश होते हैं। सर एक सवाल, लेकिन वहीं अगर पेड़ की डाल काटी हुई कोई चलाएगा, लेकर के चलेगा हाथ में, तो उससे नुकसान भी होता है, तो हम तो पेड़ लगा रहे हैं, कौन बैठक में क्या कर रहा है अब ये हमारी जानकारी में नहीं है। सर एक सवाल पूछना चाह रहा था कि पेड़ लगाए जाते हैं, हर साल अभियान चलता है, स्थिति ये है कि जो पिछले साल लगे थे उनके अनुरक्षण का धन नहीं दिया गया, इस बार ये इंतजाम किया है कि पेड़ लगाने से लेकर के सुरक्षित कैसे रहें, पानी का इंतजाम कैसे रहे और उनको सुरक्षा दे करके और लगातार मॉनिटरिंग होगी, ये जिम्मेदारी विभाग ने ली है इस बार। तो अगर आपको जानकारी मिले कहीं पेड़ सूख रहा है तो हम सरकार तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। तमाम जो आजकल का जो मीडिया है, आप तो हैं ही, अखबार तो है ही, लेकिन और भी अगर है कहीं मीडिया का किसी के माध्यम से जानकारी पहुँच सकती तो उसका भी सहयोग लेंगे और लगातार मॉनिटरिंग करके कम से कम ये ग्रीन बेल्ट तैयार रहेगी। इसीलिए जगह जगह पेड़ नहीं लगाए, एक जगह सुरक्षित बना करके, जगह निश्चित कर करके पेड़ लगाएं, जिससे ये पूरा का पूरा सुरक्षित इलाका बना रहे। अच्छा जमीन कब्जा होगी तो कोई आज कल कब्जा है तो उसको कब्जा हटाया जाएगा। सर बुआ जी बहुत एक्टिव हो गई है, 2.5 घंटे की मैराथन मीटिंग कर। मैं समझता हूँ पहला समझदार पत्रकार मिला है मुझे जिसने बुआ कहा है। ये अच्छी बात है और मैं तो ये कहता हूँ किसी पार्टी को सरेंडर नहीं करना है, पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ें। जनता ने देखा है उनका कार्यकाल भी किस तरह लूट हुई,
किस तरह हाथी लगे थे, किससे पैसा बर्बाद हुआ है। मैं समझता हूँ जनता जब तुलना करेगी तो समाजवादियों को बेहतर पाएगी, क्योंकि समाजवादी लोगों ने जनता के बीच में काम किया है, अपनी उपलब्धियां गांव-गांव तक पहुंचाई हैं। धन्यवाद।